Now we are taking preparation of phenol. Phenol can be prepared by many ways. Amongst them, number one is from haloarenes. Haloarene means halogen is attached with the carbon of the aromatic ring. It means haloarene. And this bond length, this carbon halogen bond length is so much short as compared to the normal alkyl halide bond. मतलब alkyl halide में ये जो bond length है इससे ये bond length कम है और उसका reason है यहाँ पर resonance हो रहा है इसलिए. Okay? तो due to resonance your carbon halogen bond becomes strong. Okay? क्योंकि यहाँ पर resonance हो रहा है इसलिए. जिससे क्या होगा कि अगर carbon halogen का normal bond हुआ halo alkene हुआ तो फिर normally NaOH हम लेंगे जिससे reaction होगी. But यहाँ पर strong reaction condition is required, like highly concentrated NaOH is taken at 623 Kelvin temperature, mixture is heated under 300 atmosphere pressure. Okay, जिससे क्या होगा, first of all this H and Cl will combine together to give HCl. तो पहले में यहाँ पे मिलेगा ONA, जिसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड. बोर्ड में हमें स्टूडेंट्स याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला लिखे तो उसके नीचे हमें नेम लिख देना है. ओके, पहले से ही ऐसी हैबिट रखो कि आप डायरेक्टली नेम उसके नीचे लिख ही दो. सोडियम फिनोक्साइड की फिर फर्दर HCl, यही HCl जो रिलीज हो रहा है वही यहाँ पे रिएक्ट होगा. NaNCl will combine to give NaCl and finally हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है बेंजीन के ऊपर OH और नेम होगा इसका फिनॉल. ओके, सो फर्स्ट प्रिपरेशन इज ओवर. नेक्स्ट नंबर टू इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. बच्चों ये रिएक्शन 11th में आ चुकी है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में. इफ बेंजीन इज रिएक्टेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, देन वी आर गेटिंग SO3H ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग. ये है बेंजीन, बाय सल्फोनेशन वी आर गेटिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर उसको एसिडिफाइड करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल जाता है. देखो होगा क्या, यहाँ पे SO3H पूरा निकल जाता है, वो Na के साथ कंबाइन हो जाएगा. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H+ इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और हमें यहाँ पे मिलेगा NaHSO3 और फिर ये OH बेंजीन के ऊपर आ जाएगा. ओके, तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप और इसका नाम है फिनॉल. नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन के ऊपर NH2 हम लेते हैं, दैट इज एनिलीन. देन
इसकी जो रिएक्शन है उसका नाम है डायएज़ोटाइजेशन। जिसमें HNO2 के साथ रिएक्शन होती है और ये HNO2 ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग NaNO2 एंड HCl। ओके, NaNO2 एंड HCl जब मिक्स करेंगे तब HNO2 मिलेगा और वो एनिलिन के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर है बेंजीन के ऊपर N2+ Cl-, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, एंड देन सिंपल इट इज रिएक्टेड विथ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ वी नो दैट वाटर कंटेन्स टू कंपोनेंट्स H+ एंड OH-, जिसमें से ये H+ Cl- के साथ कंबाइन होकर बनाएगा HCl। ओके, और बाकी क्या बचा? ये नाइट्रोजन गैस। और क्या बाकी बचा? चलो फिर से देखते हैं। Cl H के साथ गया, फिर नाइट्रोजन एज अ गैस इवॉल्व हो गया, तो बचा बेंजीन रिंग एंड OH, एंड दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट। इसका नाम है फिनॉल। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टेकन 3 रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज क्यूमिन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज़ होता है, इससे जो फिनॉल मिलता है वो हाईली प्योर्ड। ओके, और इसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। ये जो क्यूमिन है उसका स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, दैट इज CH एंड 2CH3। इसका नाम है क्यूमीन, दूसरा नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, और उसका IUPAC अगर नेम लिखे, इट इज 2-फिनाइल प्रोपेन। सो व्हेन क्यूमीन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, अब यहां पे ये जो O2 यूज होता है तो वो ऐड कहाँ पे होता है वो भी हम देखते हैं। चलो यही स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, आपको बोल आपको देखना है कि मैंने क्या नहीं लिखा। बेंजीन, कार्बन, CH3, अब बताओ मैंने क्या नहीं लिखा? दिस H। सो दिस ऑक्सीजन इज एडेड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक दिस। ओके, और यहां पे हमें मिलता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, एंड देन सिंपली इट इज एसिडिफाइड। ओके, और फिर क्या मिलेगा देखते हैं अभी हम। देखो फिर ऐसा होता है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये रिमूव हो जाएगा। क्या है ये? CH3CO CH3, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड था तो डबल आ जाएगा क्योंकि कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हुई, ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी कम हो रही है। फिर बेंजीन और OH बचा, सो दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट। सो मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल एंड एसीटोन। CH3CO CH3 इज एसीटोन, is obtained as a side product. The boiling point of alcohols is higher than hydrocarbon,
alkyl halide, ether and amine compounds. And the reason for it is, in alcohol there is intermolecular hydrogen bonding. So intermolecular hydrogen bonding की वजह से क्या होगा, इसका boiling point hydrocarbon alkyl halide ether and amine से ज़्यादा होगा. ओके, बट कंडीशन इज एट दैट टाइम जनरली जब भी हम हाइड्रोकार्बन के और अल्कोहल के अल्किल हैलाइड और इथर और अमाइन सबके बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन करें तब सबका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट नियर बाय होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम. ओके, और उसका रीजन है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये बॉन्ड तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन अल्किल हैलाइड इथर और अमाइन से ज़्यादा है, उसका रीज़न ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा देखते हैं हम. आर ओ एच, फिर एच ओ आर ऊपर, फिर वापस एच ओ आर नीचे, फिर वापस एच ओ आर, ऐसे एक लॉन्ग चेन चलती रहती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट बिकम्स पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव. तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ये अट्रैक्शन फोर्स. सिमिलरली ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, देन तो इसका नाम है इंटर. इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स. सो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ये अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, सो दैट द अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा है. क्योंकि इन सब कंपाउंड्स में, इन तीन कंपाउंड्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन अल्किल हैलाइड इथर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और अमाइंस का स्ट्रक्चर RnH2 है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो कम होगा. तो एज कम्पेयर टू अल्कोहल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सही लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दीज ऑल दीज कंपाउंड्स. ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल्स की, तो फिनॉल में भी ऐसे ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. देखते हैं अब वो कैसे होता है. बेंजीन रिंग OH, बेंजीन रिंग OH, बेंजीन रिंग देन OH. तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. ओके, सो ऑल द फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन रिस्पेक्टिव अल्काइल एराइल हैलाइड्स. ओके, यहाँ पे एराइल हैलाइड हम कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट थिंग, तो ये कंपैरिजन हुई बॉइलिंग पॉइंट की, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की अदर कंपाउंड के साथ. अब हम अल्कोहल की बात करें एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. अब देखते हैं ये कैसे, जो लिखा है उसको एलाबोरेट करते हैं. सपोज वी आर टेकिंग मिथेनॉल, देन इथेनॉल, देन प्रोपेन वनॉल, देन ब्यूटेन वनॉल. ओके, तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. क्यों, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तब क्या होगा, सरफेस एरिया इनका इंक्रीज हो रहा है. सो एज वी गो फ्रॉम मिथेनॉल टू इथेनॉल टू प्रोपेन वनॉल टू ब्यूटेन वनॉल, सरफेस एरिया इंक्रीजेस. सो बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीजेस, जिससे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ओके, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन आइसोमेरिक अल्कोहल आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब, सपोज फर्स्ट इज ब्यूटेन वनॉल, अनदर इज ब्यूटेन टूऑल, थर्ड इज टू मिथाइल प्रोपेन टूऑल, दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री। सो एज वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजीज, और डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि देखो सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, लेकिन यहाँ पे बल्की ग्रुप बनता जाता है। देखो यहाँ पे ग्रुप पूरा बल्की, बल्की का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने, 4, यहाँ पे 4, लेकिन एक एज अ ब्रांच होगा तो मतलब 3 ही हुए यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ही है, लेकिन सब कंबाइंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जिससे क्या होगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा। एज साइज ऑफ आर इंक्रीजेस देन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस कहां पे, एज वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीजेस। सो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। टेक्स्ट बुक में एक ही लाइन में दिया है, मैंने अच्छी तरह से इलेबरेट किया कि कैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, और कार्बन एटम्स सेम रखे और एज अ ब्रांच, अगर कार्बन एटम्स यहाँ पे सेम ही है लेकिन आइसोमर्स है, वन ऑल टू ऑल एंड थ्री ऑल, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो जैसे जैसे बल्की ग्रुप बनता जाता है वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सो इन सॉल्युबिलिटी, अल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल आर वाटर सॉल्युबल, एज वेल एज इथर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। तो इसका हम रीजन देखते हैं कि सपोज हमने CH3OH रखा है तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, पता होगा ये हमने आगे समझाया है, तो यहाँ पे इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा, ओके, अब इसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल, उसका ओ अटैच होगा और यहाँ पे एच, तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्यूबल, ओके, एंड रिमेंबर दिस थिंग, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन वनॉल एंड दिस वन इज ब्यूटेन वनॉल। As we go from methanol to ethanol to propanol to butanol, here water solubility decreases. तो उसका reason है size of R. R for alkyl group, this one. 1 carbon atom, 2 carbon atoms, 3 carbon atoms and 4 carbon atoms. As number of carbon atom increases, that means size of R increases. जिससे क्या होगा, ये distance, intermolecular distance,
ये इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज अगर ज़्यादा होगी तो फिर कम मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड अट्रैक्ट होंगे, और वो डिस्टेंस भी बढ़ेगा. डिस्टेंस बढ़ा सो दैट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हुआ, सो दैट वाटर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. ओके, नाउ वी आर टेकिंग एज नंबर ऑफ ओएच ग्रुप इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी बोथ द थिंग्स इंक्रीजेस. नाउ वी विल लर्न विथ एग्जाम्पल. सपोज वी आर टेकिंग प्रोपेन वन ऑल. तो प्रोपेन वन ऑल उसका हम फॉर्मूला लिखे तो 3 + 2 + 2 दैट इज 7 एंड देन ओ एच. तो यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल में सिंपल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोपेन 1,2-diol. मतलब एक OH ग्रुप और ज्यादा, ओके. तो यहां पे क्या होगा, CH3 और यहां पे मैं लिख रहा हूं CH और CH3. चलो दूसरी बार लिखते हैं, यहां पे CH OH, यहां पे CH3, CH2 O एंड H, अगेन CH3 CH OH, ओके. और यहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनेगा. सिमिलरली मतलब एक ही कंपाउंड में ऐसे दो लाइन पूरी मिलेगी. थर्ड हम लेते हैं ग्लिसरॉल. पताओ का नाम प्रोपेन 1,2,3-diol. यहां पे क्या होगा, CH2 CH CH2 हर एक के नीचे OH. दूसरा मॉलिक्यूल और फिर पूरी एक चेन हमें यहां पे मिलेगी. सिमिलरली दूसरी चेन, सिमिलरली तीसरी चेन. तो एक ही मॉलिक्यूल में मतलब तो फिर यहां पे एक चेन मिलती है. अगर एक OH हुआ है तो दो OH, तो ऐसे दो मिलेगी. तीन है तो फिर ऐसे तीन मिलेगी, चार OH. जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको ये चेन्स ज़्यादा मिलती जाएंगी. दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. और
OH अगर ज़्यादा है तो फिर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अटैच्ड हियर, सो दैट वाटर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो स्टूडेंट्स, टुडे हियर वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड द सेकेंड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. ओके स्टूडेंट्स, देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. ओके, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो. गुड बाय.